हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर पे आप कैसे बहुत आसानी से जो कपड़े वाला सोफा होता है, फैब्रिक सोफा होता है, उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं और उसके साथ साथ जैसे कई सोफे में लकड़ी का काम हुआ होता है उसको आप कैसे नए जैसा चमका के रख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाल्टी ली है, उसमें आधा बाल्टी मैंने पानी लिया और शैम्पू के मैं दो पाउच इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा शैम्पू आपको डालना है क्योंकि अगर आप सर्फ या कोई हार्श डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो उसके अगर थोड़े भी रेजिड्यू वगैरह रह जाएंगे तो वो बच्चों के लिए नुकसान कर सकते हैं और वैसे भी एलर्जी जिन लोगों को होती है इन सब चीज़ों से तो उनको सर्फ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसमें शैम्पू ले रही हूँ या कोई भी जो जेंटल डिटर्जेंट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कपड़े का सोफ़ा, ये इस तरीके का है और ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। खैर अभी पहले मैं इसको सूखे कपड़े से झाड़ रही हूँ जो धूल पड़ जाती है, जैसे पीछे की तरफ ये इस तरह से धूल पड़ जाती है तो उसको मैं पूरा सूखे कपड़े से अच्छी तरह झाड़ रही हूँ। अगर आपके पास कोई ब्रश हो सोफ़ा झाड़ने के लिए तो उससे आप झाड़ सकते हैं, नहीं तो किसी साफ़ सूखे कपड़े से झाड़ सकते हैं। इसको पूरी तरीके से आपको झाड़ना है जिससे कि धूल वगैरह जो चिपकने वाली हो वो इस पर चिपकी ना रह जाए पानी डालने पर। और उसके बाद मैं ये एक डियो यूज़ कर रही हूँ खुशबू के लिए, क्योंकि जो कपड़े का सोफ़ा है इसमें अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो अगर थोड़ा भी अंदर मॉइस्ट रह गया तो स्मेल आ सकती है। और अगर आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पर एसेंशियल ऑयल हर जगह होता नहीं है। और उसके बाद कोई भी पुराना साफ़ टॉवल ले सकते हैं आप, जो भी हैंड टॉवल या कोई भी, क्योंकि टॉवल लें तो वो बेटर है। दूसरे कपड़े से करेंगे तो उतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा और उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होगा। और ये ध्यान रखें टॉवल जो भी लें आप साफ़ होना चाहिए, उसके रोएँ वगैरह नहीं निकलने चाहिए। और इस तरीके से आपको जेंटली पूरे सोफ़े को रब करना है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपके जैसे कि वेलवेट वगैरह का सोफ़ा है तो उसको ऐसे बहुत ही धीरे धीरे गुलाई में रब करें। और इस तरीके से करने से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन गंदगी सारी निकल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है खैर ये सोफ़ा अभी, तो इसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये इस तरीके से ये देख रहे हैं टॉवल में ये गंदगी आ रही है और जब तक ये टॉवल में गंदगी आती रहे तब तक आप इसको दो तीन बार पानी से निचोड़ निचोड़ के साफ़ कर सकते हैं और इसकी जो लकड़ी वगैरह है वो भी आप इससे पोंछ सकते हैं। अब दो से तीन बार में ये साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा गंदा हुआ तो तीन से चार बार आप इसको पानी में टॉवल को साफ़ कर करके पोंछ लें। उसके बाद ये मैं दूसरी बार इसको पोंछ रही हूँ, अब इसमें गंदगी नहीं आ रही है टॉवल में, तो उसके बाद अब मैं इसे साफ़ पानी वाले टॉवल से पोंछूंगी। तो उसके लिए मैं दूसरा टॉवल ले रही हूँ, आप चाहे तो इसी टॉवल को अच्छी तरह से निचोड़ के ले सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं परफ्यूम डाल रही हूँ, ये डियो जो मैंने लिया था, और कोई भी परफ्यूम डियो लें तो अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा अच्छी खुशबू वाला हो, नहीं तो अगर स्मेल अच्छी नहीं लगेगी तो फिर वो स्मेल आती रहेगी, आपको पसंद नहीं आएगा। उसके बाद इस टॉवल को अच्छी तरीके से निचोड़ लें, ये भी ध्यान रखें ये टॉवल भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से इसको सोफ़े के ऊपर रख के जो भी थोड़ा बहुत शैम्पू वाला रह गया होगा पानी वो निकल जाएगा और गंदगी तो पहले ही साफ़ हो चुकी है। और ये पानी मतलब ये नॉर्मल पानी लिया है, इसमें हमने शैम्पू वगैरह नहीं डाला है। और इस तरीके से करने से फोम जो होता है सोफ़े का वो गीला नहीं होगा और पूरा सोफ़ा आपका साफ़ हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि अगर आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप थोड़ा ज़्यादा शैम्पू ले सकते हैं, और जैसे मैंने ये लिया है परफ्यूम लिया है तो आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, पर हर किसी को विनेगर की स्मेल नहीं अच्छी लगती है। उसके बाद एक पतला सा कपड़ा ले लें लकड़ी पॉलिश के लिए और जो चाय पत्ती यूज़ की हुई होती है आपके पास उसको अच्छी तरह धो के धूप में सुखा लें। उसके बाद जो हमने कपड़ा लिया था उसे साफ़ पानी में भिगो लें, अच्छी तरह से निचोड़ लें, कपड़ा गीला होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कपड़ा पतला हो साफ़ हो, कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद जो चाय पत्ती सुखाई हुई चाय पत्ती है इसके ऊपर डाल दीजिए और इस तरीके से आप एक पोटली बना लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा लकड़ियों में पॉलिश करना है तो ज़्यादा आप बड़ी पोटली बना सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट ऑयल डालिए और ये देखिए लकड़ी पर पॉलिश होना शुरू हो गया। और मेरी एक चाय पत्ती वाली वीडियो थी तो उसमें भी बताया था आपने कि यूज़ करके बताइए, तो ये देखिए लकड़ी पर इस तरीके से पॉलिश की जाती है। और जो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है तो उसकी जगह आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इससे लकड़ी बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा और दूसरा इस पर धूल उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जमेगी और लकड़ी की जो शाइन ख़त्म हो जाती है या हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं या कुछ धूल की जो दाग वगैरह पड़ जाते हैं वो सब जल्दी नहीं पड़ेंगे और जो कितनी भी पुरानी लकड़ी हो उसमें एकदम नई जैसी चमक आ जाएगी। और इसको पूरा ऑल ओवर आपको इस तरीके से रगड़ के घुमाना है लकड़ी पे
तो ये हो चुका है पूरा सोफ़ा क्लीन। अभी मैंने इसमें कुशन नहीं डाले, इसको 2-3 घंटे जब तक ये आराम से पूरा सूख जाए पंखा चला के छोड़ देना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें, इस दौरान बच्चे वगैरह इस पे बैठे ना, नहीं तो फिर वो गंदा हो जाएगा। तो इसको रूम चाहे बंद कर दें या चाहे जो भी, लेकिन पंखा चला के इसको छोड़ दें। और अगर ज़्यादा गीला हो गया होगा सोफ़ा तो रात भर इसे पंखा चला के छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2-3 घंटे में, और अभी तो गर्मी है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। और लकड़ी भी बिल्कुल नए जैसी हो गई है, चाहे कितना भी पुराना सोफ़ा हो या लकड़ी का कोई फर्नीचर भी हो आपका, तो आप इसी तरीके से साफ़ करके इसको पॉलिश कर सकते हैं। और ये घर में मतलब होममेड पॉलिश हो गया, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। उसके बाद जैसे कई घरों में इस टाइप के पुराने स्टाइल के, ये 15-20 साल पुराना सोफ़ा है, इस टाइप के सोफ़े होते हैं जिसमें इस टाइप के ग्रुप्स वाले डिज़ाइंस होते हैं। सोफ़ा तो पूरा साफ़ हो जाता है डेली पोछने में, लेकिन ये जो डिज़ाइन में जो गंदगी अटकती है ये हल्का झाड़ने से नहीं हटती है। तो इसको साफ़ करने के लिए कोई भी पेन ले लें या कोई लकड़ी ले लें, उसमें कपड़ा लपेट लें इस तरीके से, कोई पुराना कॉटन का कपड़ा उसमें रबड़ बैंड से इसको फिक्स कर दें। और आप चाहे तो कॉटन भी लपेट सकते हैं, लेकिन कॉटन उतना सक्सेसफुल नहीं है। और सर्फ वाले पानी में भिगो के इसको इस तरीके से साफ़ करें, लेकिन कॉटन उतनी जल्दी नहीं साफ़ करता, निकल जाता है। और फिर कपड़े से, ये जो मैंने कपड़ा लपेटा उससे ये साफ़ हो रहा है। और यहाँ पे ऐसी मतलब जैसे ग्रूव्स वगैरह फर्नीचर में बने होते हैं उनको साफ़ करना मुश्किल होता है, और उसको आप कितना भी झाड़े, अगर इसको मैं नॉर्मल पानी डाल के साफ़ कर देती तो वो साफ़ नहीं होता ईज़िली। तो ये धीरे धीरे ऐसे इसको साफ़ करेंगे, पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो सर्फ वाला पानी से, दूसरे टॉवल से इसको पूरा पोंछ लें। और ये काफ़ी पुराना सोफ़ा है तो आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन। और उसके बाद दूसरा हमने इसी तरह से पेन में कपड़ा लपेटा है, और उसमें थोड़ा सा पानी और नारियल तेल मैंने इसमें नारियल तेल में भिगो लिया, और फिर थोड़ा हल्का सा पानी लगा दिया ताकि ज़्यादा चिपचिपा भी ना हो। और उसको मैं इस तरीके से अंदर की साइड पॉलिश कर रही हूँ जिससे कि अंदर ज़्यादा जल्दी धूल अट्रैक्ट ना हो और थोड़ा शाइन आ जाए। ये इस तरीके से हो गया, और ये देख रहे हैं आप कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाती हूँ, ये पहले वाला जो अभी साफ़ नहीं किया जो पार्ट, और जो साफ़ कर दिया है वो। तो इस तरीके से आप कितने से पुराना फर्नीचर भी आप नए जैसा कर सकते हैं, मतलब जिस हद तक हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।